वंदे गुरुपद्द्वंद्व भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वाशाकश कृपा सिंधुभ्य पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावन तुलसीदेव प्रिया वै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्त्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरण्य धैयम् सदा परिभवनमविष्टदोहम् तेथास्पदम् शिवभिरञ्चनुतम् शरण्यम् भीतात्यहम् पुनदपालभवद्विभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा किमां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अजानुलंबित भुजो कनकावदतु संकीर्तनय कपितरो कमलायुताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्विन्दितोदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितपामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथ वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्तेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्तेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं किसी भी हालत से हरि भजन छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी हालत पैदा हो जाए जिंदगी में लेकिन हरि भजन से छुटकारा मिलना नहीं चाहिए, हरि भजन बंद नहीं करना चाहिए। विरुद्ध परिवेश है और कुछ भी परिवेश है सब हर हालत में गौरी गोष्ठी पोती श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत भगवान परमहंस जगत गुरु जी ने कह रहे हैं तो हम लोग भगवान का ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भर क्यों नहीं कर सकता। हम लोग भगवान को ऊपर परिपूर्ण रूप से भरोसा रख नहीं सकते, किस लिए? पोपात कह रहे हैं अनुचेतन जीव इसका स्वभाव ये है, इसका स्वभाव में है शरणागति होना, लेकिन माया का चक्कर में शरणागति तो दूर की बात है, कुछ सब भूल गया। शरणागति स्वाभाविक है, शरणागति स्वाभाविक है, लेकिन अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बृहत चेतन वस्तु का आश्रय लेना जीवों का ये स्वाभाविक है, उचित, लेकिन अनंत काल से विषय का संयोग के द्वारा काल भी चर्चा किया जीव अपना स्वरूप भूल गया, इसीलिए विषय का साथ इतना संबंध बन गया जो और कुछ उपाय नहीं है। परो ओपि मनुते अनर्थम तत्कितं चाभि पद्धते, जब भी ये जड़ जगत का साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, जड़ जगत का साथ आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माया में फंस के जीव का स्वरूप का विभ्रम, स्वरूप का भ्रम हो गया। इसलिए भगवान का चरण में शरण लेना संभव नहीं होता। लेकिन ब्रह्मांड भ्रमित तो कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच ब्रह्मांड भ्रमण करते करते अगर अहोभाग्य से गुरु वैष्णव का संग हो जाता तब ये संग के द्वारा भक्ति लता बीच प्राप्त कर सकता है। तब बहिर जगत का किसी वस्तु पर नजर डालने का कोई इच्छा ही नहीं होगी। जो व्यक्ति निष्किंचन है प्राकृत जगत का, जो व्यक्ति अकिंचन है निष्किंचन है प्राकृत जगत का, दृश्यमान वस्तु कुछ भी इनके लिए रुकावट नहीं है, ये किसी भी हालत से ग्रहण नहीं कर चाहता, तब ये गुरु वैष्णव का संघ के द्वारा श्रद्धा पैदा हो सकता, उसके बाद भगवान का चरण में भरोसा रखना संभव है। जीवन तो शास्त्रों साधु जो है साधु संत महात्मा का मुखारा बिंदु से जो पिघला हुआ वाणी है ये अप्राकृत शब्द ब्रह्म है। जीवन तो शास्त्रों लाइफ शास्त्र है,
संत महात्मा का मुखारविंद से ये जो वीरजवती वाणी है ये शोभन करने से धीरे धीरे भगवान के ऊपर भरोसा आ सकता है। जब भी अभी नहीं है, अभी कोई भरोसा नहीं है भगवान के ऊपर, अभी भरोसा नहीं है, इसलिए वास्तविक साधु संग नहीं है, वास्तविक साधु संग नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं जब अगर कोई वास्तविक साधु संग करे तो भक्ति का महिमा वो जरूर समझे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवत भक्तों जड़ जगत का जो चिंता का एक स्रोत है प्रवाह, भक्तों जो है जड़ जगत का जो चिंता का मेटेरियल चिंता का जो एक स्रोत बह रही है, इसमें अपने को प्रवाहित कर देने के लिए तैयार नहीं है। एक चिंता का स्रोत मेटेरियल्स चिंता का स्रोत चल रही है जगत में, लेकिन इस चिंता का साथ भक्तों अपने को जोड़कर अपने को ये स्रोत एक करंट में अपने को बहाने का कोशिश कभी नहीं करते। एक भक्तों जड़ जगत का जागतिक कानक कामिनी कौनक कामिनी कांचन प्रतिष्ठा लुलूप कभी नहीं हो सकता। एक शुद्ध गुरु वैष्णव कभी लोगों का प्रशंसा या निंदा इसको ध्यान नहीं देते, लोगों का प्रशंसा प्रशंसा या लोगों का निंदा इसमें समद्रिक समान दृष्टि और एक शुद्ध वैष्णव अदोष दर्शी लोक धर्मों वेद धर्मों सामाजिक तारण भत्सन घृणा लज्जा ये सब विषयों में उदासीन रहकर विप्रलंब भाव लेकर भगवान का कृष्ण कीर्तन में हर्वदा सर्वदा हर वक़्त व्यस्त रहता है, हर वक़्त इनके दूसरा कोई काम नहीं है। बहुत बार सुना है ये बातें, कलिकाल केवल नाम आधारा समर समर से जीव उतर ही पा रहा, ये सुना है लेकिन अनुभव नहीं आए। शास्त्रों में कई प्रमाण हैं, भगवान शब्द ब्रह्म का रूप में ये जगत में अवतीर्ण हो सकता है, ये असंभव नहीं है। मैंने काल भी इस विषय पर चर्चा की, जो जड़ जगत का जो मेटेरियल शब्द है और अप्राकृत जगत का जो अप्राकृत शब्द है ये दोनों एक नहीं है। मेटेरियल शब्दों का मेटेरियल शब्दों कोई भी मेटेरियल शब्दों का साथ ये मेटेरियल शब्दों जिस वस्तु को समझाना चाहता है ये अलग है, मेटेरियल साउंड है। और अप्राकृत जगत में अप्राकृत शब्द ब्रह्म जो है जिस वस्तु को मीन कर रहा है समझा रहा है ये वस्तु एक ही है, ये वस्तु अलग नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं। अप्राकृत शब्द ब्रह्मों का महिमा अपार, प्रहलाद महाराज जी में बहुत बार यही भागवत में है, हरिभक्ति शुद्धोदय हरिभक्ति शुद्ध और आपका ये कि क्या कहे विष्णु पुराण में भागवत जी महापुराण में बहुत सारे प्रमाण है प्रहलाद महाराज का, बहुत सारे बिना सहारा लिए अप्राकृत शब्द ब्रह्मों का बिना सहारा लिए कभी भी कोई ये जड़ जगत का बंधन तोड़कर जा नहीं सकता। कभी भी कोई भी व्यक्ति अप्राकृत शब्द ब्रह्मों का सहारा लिए बिना ये जगत से जा नहीं सकता, संभव नहीं है। अप्राकृत शब्द ब्रह्म का सहारा लेना जरूरी है। और भगवान राम नाम रूप लेकर आ सकता है ये जगत में, इसका भी बहुत सारे प्रमाण है, बहुत सारे प्रमाण है। भगवान नाम रूप लेकर ये जगत में आ सकता है।
और ये भी बताया माधवेन्द्र पुरीपाद जी जब हा कृष्ण हा ब्रजेंद्र नंदन हा मथुरा नाथ बोल के चिल्ला रहे तो ये शब्द ब्रह्मो का साथ भगवान स्वयं उपस्थित है। ये शब्द ब्रह्मो का साथ भगवान स्वयं उपस्थित है। श्री हरिनाम परमेश्वर परमेश्वर का कृपा के अलावा गुरु वैष्णव का कृपा के अलावा कोई हरिनाम का महिमा अनुभव नहीं कर सकता। परमेश्वर का विशेष कृपा छोड़कर ये भव समंदर पार होने का दूसरा कोई रास्ता है नहीं। जीव जड़ वस्तु नहीं है, जीव जड़ वस्तु नहीं है, जीव चिन्मय है। जीव चिन्मय है, जड़ वस्तु तो श्रेष्ठ है, गीता में भी बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन फिर भी दुर्बल है, चिदबल नहीं है, इसलिए दुर्बल है और पराधीन है। पराधीन मतलब भगवान का अधीन। जब भी जीवात्मा का एक लिबर्टी दिया गया, जीवात्मा का भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं जीवात्मा का लिबर्टी जरूर है लेकिन लिमिटेड, अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय भगवान। अपन इच्छाएं जीव कोटि वांछा करे, अपना इच्छा का अनुसार जीव करोड़ों वांछा कर सकता है, लेकिन कृष्ण का इच्छा का बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। जीव दुर्बल है, यद्यपि जीवों का लिबर्टी है, फ्री विल है। भक्तिमंत कह रहे हैं जीवों का फ्री विल जरूर है, लेकिन ये फ्री विल परम स्वतंत्र भगवान के द्वारा नियंत्रित है। ये जो फ्री विल है अप टू सर्टेन एक्सटेंट जा सकता है, लेकिन इसका बाद कुछ नहीं कर सकता। दुर्बल जीव पराधीन है, इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन में लिखा है कितना दिन तक पराधीन माया का अधीन होकर आप जिंदगी को गंवाओगे। आर कैनो माया जाले परितुष जीव मीनो, नहीं जानो बद्ध हे रबे तुम्हें चिरदिन। এখনো চেতন পেয়ে কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধু জলে অনায়াসে থাকো তুমি হয়ে কৃষ্ণ প্রেমাধীন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কা আগর হো যায়, জব হাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কা বন যায়, তব তো কই মুশকিল নহিঁ হ্যায়। জব ভগবান কা শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কা হো যায়, মে আপকা হুঁ, তব কই कब कोई समस्या नहीं है। जैसे मिसाल एक उदाहरण दे, एक धनी व्यक्ति गांव का रास्ते से गुजर रहा था, गाड़ी में सवार होकर अचानक एक बेटिया रानी को देखने के बाद गाड़ी ड्राइवर को बोला रुक दो, गाड़ी रुका है। किसी गांव वाले को पूछा ये जो बेटिया रानी है ये किसका बेटी है, बोले ये सनातन घोष है उसका बेटी है। अच्छा कहाँ उसका घर है, वो घर में गया, घर में जाके पिताजी बैठा है, उसको शाम ढलने का टाइम है। पिताजी को जाके मिला और बोला आपको एक बात कहे, बोले आप बुजुर्ग है हमारा, आप धनी व्यक्ति है हमारा पास किस लिए आए हैं, मैं गरीब हूँ। बोले ये आपका बेटी जो है, बेटी को हमको दे देना, हमारा बेटा का साथ शादी मनाएंगे। क्या कहते हो आप, हम गरीब हैं हमारे पास कुछ नहीं है, ये लिखा पढ़ा भी ज़्यादा मैं जानती नहीं है। बोला वो लिखा पढ़ा हम करा लेंगे, हम करवा देंगे, कोई बात नहीं, आप
पर आप मजाक कर रहे हो, ना मन मजाक नहीं कर रहा है, तो लड़की को लड़की का साथ अपना बेटा का शादी दे दिया। मेरा कहने का मतलब है ये बेटिया रानी इतना गरीब घर का बेटी है, इतना गरीब, दो टाइम अच्छा खाना भी नहीं मिला। बाद में जब ये धनी व्यक्ति का जो लड़का का साथ लौता बेटा का साथ शादी हो गया तो क्या और वो बेटिया रानी गरीब, और तो गरीब नहीं है क्योंकि समान हकदार है। स्वामी का पति देवता का जो संपत्ति है वो उसमें उसका भी हकदार ये है, ये होगी। ऐसे ही जड़ जगत में जो जीवात्मा है वो जीवात्मा अगर भगवान का बन जाए, अगर भगवान का बन जाए तो इसमें कोई रोक टोक नहीं चलेगी उसका। इसीलिए भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया जे एखोनो समय, एखोनो समय, अभी भी टाइम है, एखोनो चेतन पे अपना चेतना को वापस लाओ जो खो गया। अचैतन्यमिदम विश्वम यदि चैतन्यमीश्वरम न विदुः सर्व सर्व शास्त्रज्ञों उपि ब्रह्मन्दिते जनाः। अचैतन्यमिदम विश्वम, ये चैतन्य, ये पूरा जगत जो है अचैतन्य, तमाम पृथ्वी अचैतन्यमिदम विश्वम, क्यों चेतन चेतन चेतना तो है बोले नहीं है। अचैतन्यमिदम विश्वम यदि चैतन्यमीश्वरम न विदुः, यदि चैतन्य महाप्रभु को नहीं जाने, परम चेतन वस्तु भगवान को ना जाने, जिससे हम आए हुए हैं जगत में उसी को ही अगर काट छाट के फेंक के रख दें, नित्यो नित्यानम चेतनश्चेतनानम एको बहुनाम जो विदधाति कामान, ये भगवान को ही भूल जाए, कितना गद्दार है, भगवान को ही भूल गया है। जो भगवान सब कुछ दिया, सब कुछ है, मेरा जो कुछ भी है सब भगवान का है, मैं भी, मेरा आत्मा वो भी भगवान का ही है। तो जब भगवान का बन जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे समस्या का समाधान बन जाएगा। लेकिन आदमी चाहता नहीं भक्ति करना, भक्ति का इतना पावर है, भक्ति भगवान का साथ मिला देती है, भक्ति का इतना पावर है। भक्ति रे वैनम नयति, श्रुति में है, श्रुति माठोर श्रुति, माठोर श्रुति बोल के एक श्रुति है, इसमें है लिखा हुआ भक्ति, भक्ति रे वैनम नयति, भक्ति रे वैनम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रे वहयसी, भक्ति का इतना महिमा है कि मत पूछो। भक्ति हमको ले जाएगी, भक्ति मेरे को दर्शन कराएगी, क्योंकि भक्ति का बश, भक्ति का बश है, भक्ति का बशीभूत है भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम। भक्ति वश पुरुष, कौन पुरुष, पुरुषोत्तम वो पुरुष, मैं कोई साधारण पुरुष का बारे में नहीं कह रहा हूं। दर्शयति भगवान को दर्शन कराएंगी, भक्ति वश पुरुषो भक्ति रेव भयसी, और भक्ति अमृत स्वरूपा, सा अमृत स्वरूपा, ओम अमृत रूपा च, औषा अमृत स्वरूपा। और शास्त्र में बहुत सारी चीज है, जंग लब्ध्यापमान सिद्धो भवती अमृति भवती तृप्त भवती, जिस चीज को प्राप्ति करने का बाद जंग लब्ध्या, जंग लब्ध्वा है ना, यम लब्ध्यापमान सिद्ध भवती अमृति भवती तृप्त भवती, ओम जम लब्ध्या पुमानो सिद्ध भवती अमृति भवती तृप्त भवती, और ओम यत प्राप्तो, यत प्राप्तो न किंचित वंचति न सचति न देष्टि न रमत है न रमते न सहति भवती। भक्ति लाभ करने से भले भक्ति भगवान के पास ले जाती है,
मिला देती है भक्ति का महिमा, अपार महिमा। पुरुषोत्तम भगवान ये पुरुष ये भक्ति का वशीभूत है। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इवदीय। और जो चीज पाने का बाद, प्राप्ति होने का बाद जीवात्मा सिद्ध बन जाती, अमृत हो जा, अमृतमय हो जाती जाता है। और जिस चीज प्राप्ति होने का बाद कुछ दूसरा चीज प्राप्त होने का कोई इच्छा शेष नहीं रह जाता, इच्छा कोई शेष नहीं रह जाती। जिस वस्तु प्राप्ति के बाद पूरा डिसेटिस्फेक्शन खत्म, कुछ दूसरा चीज प्राप्ति होने का इच्छा नहीं रह, शेष नहीं रह जाती है, इसका नाम है भक्ति। और ये भक्ति नौविदा भक्ति का बारे में हमने बताया था, आपको याद है नौविदा भक्ति का विषय में हमने बताया था, नौविदा भक्ति के बारे में हमने बताया था। और नौविदा भक्ति का अंदर में भक्ति का पांच अंगों विशेष करके महाप्रभु दिखाया, साधु संग मथुरा वास नाम संकीर्तन सिमोतीर श्रद्धा के द्वारा सेवन भगवत श्रवण, ये पांच अंगों इसके ज्यादा भी सामान्य संग हो जाए तो मालामाल हो जाएगा जीव, मालामाल हो जाएगा। और इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, काल हमने बताया था जितना सारे भजन का अंग है, ये भजन अंग में श्रवण कीर्तन का बारे में, श्रवण कीर्तन का बारे में ज्यादा महिमा है। क्यों? श्रवण हमरा हम लोग जाने सुना है बहुत बार, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियेतो भगवती अध्या तन्मन्ने अदितमुत्तमम। इसका इसको ही नवविधा भक्ति का बारे में बताया। ये अगर विष्णु चरण में किसी ने करने में समर्थ है, इति पुंसार्पिता, पुंस मतलब जीवात्मा मान आदमी, कोई आदमी इति पुंसार्पित, इति पुंसार्पिता विष्णु, विष्णु चरण में विष्णु, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणाच्चेत। अगर कोई करे नौविधा भक्ति का अनुष्ठान, अगर नौ किस्म का अनुष्ठान ना कर सके ठीक है, सही, कोई बात नहीं, एक एक अंग का अनुष्ठान करो। महाप्रभु जी ने बताया सनातन गोसाई को, एक अंग साधे किंबा साधे बहु अंग। महाप्रभु जी ने सनातन को, सनातन जी को बताए जे एक अंग साधे किंबा साधे बहु अंग निष्ठा हुई तो उपज प्रेमेतर अंग। महाप्रभु जी ने खुद बताए, ऐसा नहीं कि नौविदा भक्ति का नौविदा अंगो नौ पालन करना है, या तो 64 अंग 64 एक साथ, ये संभव नहीं है। ये रुचि का अनुसार, भक्तिविनोद ठाकुर इस बारे में बताया, रुचि का अनुसार ये होता है। किन भजन का अंग में किसका रुचि ज्यादा है, पौपात उस हिसाब से भक्तों को सेवा में लगा देते थे। ये बड़ा स्पेशलिटी है, जिनके जिंदगी में जिस सेवा में ज्यादा रुचि है उसी में लगाने से बांपा सक्सेस हो सकता है। यद्यपि दूसरा भक्ति अंगों भी करना, ये तो करना चाहिए। हम अगर बोले महाराज हम केवल हरि कथा सुनेंगे कुछ नहीं करेंगे, ये होता नहीं ना, ये कैसे हो सकता। सर्व को सेवा करना उचित है। तो नौविधा भक्ति का अंगों का बारे में जो बताया, ये अगर किसी जीवात्मा के द्वारा, ये नौविधा भक्ति का अंग किसी आदमी के द्वारा अगर हो जाए गुरु वैष्णव का अनुगत्व में, तो इसमें इति पुंसार्पित विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियेतो भगवती अध्या, भगवान का चरण में जो भक्ति है तन मन ने अदितम उत्तमम, अर्थात भगवान का चरण में भक्ति करना इज द टॉप मोस्ट, सबसे बड़ा चीज है। लेखे पोरे लौके लिखा है कीर्तन में, लिखा परा क्यों कर रहा है,
कृष्ण भक्ति लभी बारे भक्तिम ठाकुर लिखा है, लेखे परे लोग लेखे परे लिखा पड़ा क्यों कर रहा है, बोले कृष्ण भक्ति लभी बारे ता यदि नहीं लो या ये अगर नहीं हुआ नहीं हुई तो क्या काम का है लिखा पड़ा, कुत्ता बिल्ली बना देगा। भक्तिम ठाकुर जी ने बताया, भक्तिम ठाकुर ने बताया ना, भक्तिम ठाकुर ने बताया जीव को गाधा बना देता है। जड़ विद्या जतो मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा, जड़विद्या जतो मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा, अनित्य संसारी मोह जन्मिया जीव के कराए गाधा, जीव को गाधा बना देते। चलो कोई बात नहीं। और ये नौ किस्म का जो भक्ति है, नौविधा भक्ति का एक एक अंगों का एक आचार्य है, एक एक अंगों का। जैसे कि श्रवण में परीक्षित महाराज, और परीक्षित महाराज श्रवण का बात अपना मैया का पास बृहद भगवतमृत तो बताया ना, उत्तरा का पास उत्तरा मैया को बताए थे बृहद भगवत, जो चर्चा में आ रहा है, हैं? तो ये श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवद वैयास की कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तदंग्री सेवने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्तु अभिवंदने कपिपतिर दास्ये अथो सख्य अर्जुन शर्मा सर्वस्वात्म निवेदने बलिर अभूत कृष्णाप्ति रेशाम परम। श्री विष्णु श्रवण परीक्षित हरिकथा श्रवण में परीक्षित महाराज आचार्य जो है, विष्णु श्रवण में परीक्षित महाराज आचार्य जो है, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन में आचार्य जो है, प्रह्लाद महाराज स्मरण भक्ति का अंग में आचार्य जो है, भगवान का चरण सेवा में जो भक्ति अंग है इसमें लक्ष्मी देवी, पृथु महाराज पूजन में, अक्रूरस्तु अक्रूर अभिवंदन में, कपिपति हनुमान जी महाराज दास में, सख के द्वारा सख बदोस्ती इसके द्वारा अर्जुन, और तमाम चीजों को भगवान चरण में धारण के चरण में देने का जो हिम्मत है ये बलि महाराज ने दिखाई है। सर्वस्वात्म निवेदने बलि रभुत कृष्ण आप्ति रेशाम परम, ये कृष्ण प्राप्ति का एब्सोल्यूट वे ये लोग दिखाया। तो कहने का मतलब है नौविधा भक्ति का नौविधा अंगों पालन करना चाहिए, अगर नहीं भी हुआ नहीं भी हुई उसमें एक अंगो पाले एक अंग पालन कर, एक अंगो साधे किंबा साधे बहु अंगो, महापूजी ने बताया एक अंगो साधे किंबा साधे बहु अंगो, अगर एक अंग साधन करे या तो बहु अंग साधन करे फर्क नहीं पड़ता, निष्ठा अगर रहे इसमें कोई बात नहीं है, निष्ठा अगर रहे तो जरूर प्रेम मिलने का चांस, निष्ठा अगर रहे। महापूजी ने बताया एक अंग साधे किंबा साधे बहु अंग, निष्ठा हो तो उपजाए प्रेमेत्वर को, निष्ठा से प्रेम उदय होता है जो अनमोल चीज है। और इस बात को खुलासा करना चाहिए, ये नाम भजन सबसे बढ़कर है, ऊपर है, नाम भजन का महिमा सबसे ऊपर है। यहाँ तक कि भगवान का जो नाम है और भगवान स्वयं है, इस विचार में हम काल विचार दिखाएंगे, भगवान का नाम और भगवान स्वयं इन दोनों में भगवान का नाम का महिमा ज्यादा है, भगवान का नाम का महिमा और ज्यादा है। बाच्यो बाचकम तब स्वरूपोदयो इत्यादि श्लोक है रूप गोस्वामी पाद जी ने लिखा है, हम दिखाएंगे। लेकिन नौविधा भक्ति अंगों में हैं जो सबसे बढ़कर है नाम संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन, लेकिन
काल हमने प्रमाण दिया जे अगर हम श्रवण नहीं किया, अगर हमारा श्रवण करने का कोई चांस नहीं है तो हम कीर्तन कर नहीं सकेंगे। अगर हम अपना जिंदगी में गुरुवर्गों का जो श्रोत वाणी ध्यान से सुने होंगे आचरण के साथ गुरु सेवा के साथ, तो फिर आज मैं कीर्तन करने का अधिकार गुरु वैष्णव दे सकता है। तो फिर श्रवण का साथ कीर्तन इंटर रिलेटेड है, श्रवण का महिमा है और श्रवण नहीं होने से कीर्तन महिमा कहाँ से आएगी कीर्तन। और कीर्तन अगर हो, श्रवण अगर हो, अगर श्रुति नहीं है तो सब बेकार हो जाएगा। तो श्रुति का मतलब है मैं हरिकथा बोल रहा हूँ लेकिन मेरा मन है दूसरा जगह, कैसे हो सकता है? मैं हरिकथा बोल रहा हूँ लेकिन मेरा मन है दूसरा जगह, कैसे हो सकता? सो इंटर रिलेटेड। ये जो मुख्य साधन अंगों में श्रवणम कीर्तनम, देखो इसीलिए नौविधा भक्ति में तीनों को, इसीलिए नौविधा भक्ति का नौविधा भक्ति यहाँ तक कि 64 भक्ति अंगों में, यहाँ तक कि 64 भक्ति अंगों में, 64 किस्म का भक्ति अंगों में इसको सबसे प्रायोरिटी दिया गया। और महाप्रभु जी ने खुद बताया इसका बारे में, हम खुलासा करें। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वसुतिस्तर्पिता नियमित स्मरणेन काल, हरिनाम का महिमा हम बताएंगे भक्ति में ठाकुर जी का अनुगत्व में। तो देखा गया श्रवण कीर्तन एवं स्मरण एक दूसरे का साथ रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड, एक को छोड़ के दूसरा होना संभव नहीं है। और कोई अगर कहे महाराज हम संकीर्तन ही करेंगे, हम कुछ दूसरा सेवा नहीं करेंगे, ये चलता नहीं। सोसाइटी को चलाने के लिए, मठ को चलाने के लिए तो जरूरी है। इस अवस्था में अगर पहुँचे, इस अवस्था में, इस प्लेटफॉर्म में अगर पहुँचे परमंश अवस्था, ठीक है करो। लेकिन अगर उस अवस्था में पहुँचे नहीं हैं और इच्छा करके सेवा बंद करके हरिनाम का बहाना ले दिखाया तो होगा नहीं। राम भजन का आलसी, भोजन का होशियार, ये तो होगा नहीं ना। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता बोलो ना। सेवा फिर सब बंद। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताएं, आप हाथों में सेवा करें। भक्ति विनोद ठाकुर खुद बताएं, आप हाथों में सेवा करें और मुंह पे नाम रटना करें, नामा में जुबा में नाम रटते चले, नाम रटना करते चले, ये ठीक है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया आप हाथों में सेवा करें, पैर के द्वारा परिक्रमा कुछ भी करें, हाथों के सेवा मन मतलब जो इंद्रिय के द्वारा जो सेवा करना चाहिए करे, लेकिन जवान पे हरिनाम करते चले। आज नहीं तो कल आपका जवान पे शुद्ध नाम आएगा ही आएगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया आप भगवान का सेवा करते चले और भगवान का नाम करते चले, एक ना एक दिन जरूर आपका जिंदगी में शुद्ध नाम पैदा हो जाए। शुद्ध नाम का मतलब क्या है, शुद्ध नाम का मतलब क्या है? शुद्ध नाम का मतलब है अप्राकृत शब्द ब्रह्म, अर्थात भगवान खुद उतार के आएगा शब्द ब्रह्म का रूप में, असली नाम है। भगवान का नाम का महिमा अनंत काल बताते चले गुरु वैष्णव, तो खत्म नहीं हो सकता, खत्म होना संभव नहीं है। इस अवस्था में अगर पहुंचे तो ठीक है, नाम भजन करो। कोई हम ये नहीं कह रहे हैं कि नाम भजन ना करो, कहने का मतलब है जो हमारा अंदर में जो स्थिति है, इस स्थिति को बदल के बाकी हरिनाम चिंता में, हरिनाम में प्रतिष्ठित होने के लिए
जो कुछ भी करना चाहिए एट प्रेजेंट वर्तमान समय में वो करना चाहिए, नहीं तो बेकार हो जाएगा ना। तो जीव गोस्वामी पाद श्रीमद भाग क्रम संदर्भ श्रीला जीव गोस्वामी पाद जी ने क्रम संदर्भ का टीका में लिखा है, यद्यपि अन्या भक्ति ही कलौ कर्तव्या तदा कीर्तनाख्या भक्ति संयोगे नैव इति उक्तम। क्या बताया ध्यान से सुनिए। यदि अगर जरूरत पड़े तो दूसरा अंगों का भजन भी करना चाहिए, लेकिन इसी बात का खुलासा हो रहा है, यद्यपि अन्या भक्ति ही कलौ कर्तव्या तदा कीर्तनाख्या भक्ति संयोगे नैव इति उक्तम, ऐसा बोला गया। अपना मनमानी ना करो, भगवान का नाम कीर्तन का सहयोग लेकर बाकी करना, इसका मतलब है सबसे ऊपर है नाम भजन, लेकिन अभी नहीं, बद्ध अवस्था में नाम का रेगुलरिटी। हम तो सुन के हैरान हो गया, किसी मठ का ब्रह्मचारी कह रहे हैं महाराज क्या अनिक्या रोज करना चाहिए। अरे हम तो हंसी लग गया, महाराज अनिक रोज करना चाहिए है, पागल है क्या, क्या क्यों दिखा लिया गौरी मठ का है, क्यों दिखा लिया, ऐसा ही पागल है। कभी कभी अनिक बंद कर दिया, नाम बंद कर दिया, अरे महाराज टाइम नहीं क्या करे। ये भजन नहीं है, भजन ऐसा थोड़ी होता है, पागल का माफिक है। सो जीव गोस्वामी पाद जी ने खुलासा किया, देखो अगर करना है दूसरा भक्ति का अंग पालन करना है, लेकिन फिर भी कीर्तनाख्या भक्ति संयोगे नैव इति उक्तम, अर्थात कीर्तनाख्या भक्ति का संयोग के द्वारा करना चाहिए। हरिनाम परम जप्यम ध्येयम गेयम निरंतरम, जो सहजिया बदमाश है, जो सहजिया बदमाश लोग है, ये लोग कहते हैं कि महाराज नाम को चिल्ला चिल्ला के बोलना उचित नहीं बोल रहा। सहजिया लोगों का विचार, हम अगर कहे कि महाराज हरिदास ठाकुर जी 3 लाख नाम करते थे, 1 लाख नाम उपांशु जप अर्थात ओष्ठो स्पंदन, ठीक है ना, और बाकी 1 लाख चिल्ला चिल्ला कर तमाम जगत का मंगल के लिए हरिनाम एक है और एक है मौनो, मन ही मन करना, तीनों किस्म का, इन तीनों में से चिल्ला चिल्ला के नाम करने का जोर है, इसका महिमा और बहुत ज़्यादा है। ये बात का खुलासा किया, हम इन दिनों में चर्चा करने का आशा रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु हरिदास ठाकुर का फात चर्चा करते हुए हरिनाम का महिमा का प्रकाश की है। हरिनाम चिंतामणि एक ग्रंथ हो, हरिदास ठाकुर की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्तिमन ठाकुर जी ने इतना सुंदर रचना की कि इसका बारे में आप अगर समझो तो अब हैरान हो जाओगे, कितना सुंदर है। आह हरिनाम परम जप्यम ध्येयम गेयम निरंतरम, लिखा हुआ है शास्त्र में, हरिनाम जप करो, ध्येयम ध्यान करो, मन ही मन करो, हरिनाम परम जप ध्येयम गेयम, गेयम क्या गाना, क्या मन में होता है, मूरख क्या गाना मन ही मन होता है, कि गान तो बोलना चाहिए। तो ये लोग बोलता है कि हरिनाम चिल्ला चिल्ला के नहीं करना चाहिए, ये लोग उल्टा बोल रहे हैं।
लेकिन हरिदास हरिदास ठाकुर का जिंदगी देखो, इसमें देखोगे 100,000 नाम सिमन और हरिदास ठाकुर चिल्ला चिल्ला के करते थे, और महाप्रभु जी जंगल से गुजारते हुए किसी भी जगह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा करके जाते थे। लेकिन ये लोग बोल रहे बंद ना चिल्लाना उचित नहीं, उल्टा बोलते हैं। हरिदास ठाकुर के साथ महाप्रभु के जो चर्चा है, ये महाप्रभु का चर्चा में ऐसा वस्तु आता है, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य भागवत बहुत सारे जगह ये सब प्रमाण है। आज ये जो महाप्रभु जी ने बताया सर्वशक्ति स्तोत्रार्पिता, तमाम ताकत को भगवान डाल दिया इस नाम पे, अर्थात भगवान स्वयं उपस्थित है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में नाम रूप लेकर कलिकल, याद है ना चैतन्य चैतन्य में आदि खंडों में है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हॉय सर्व जगत निस्तार, निस्तार माने मुक्त हो जाता है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हॉय सर्व जगत निस्तार, दाड्डो लागी हरे नाम उक्ति तीन बार जरलोक बुझाइते पुन एवोकार। आई बात समझ में, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम कलौ नस्ते व नस्ते व नस्ते व गतिर। महाप्रभु इसी बात का खुलासा कर रहे हैं, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हॉय सर्व जगत, नाम से तमाम जगत का उद्धार हो जाता है। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हॉय सर्व जगत निस्तार, और फॉर द कन्फर्मेशन हरे नाम ही वो केवलम तीन बार बताया गया। और जड़ व्यक्ति अगर ना समझे, जड़ व्यक्ति बुद्धि कम वक्त वाले अगर ना समझे तो उनके लिए महाप्रभु जी ने एक बोला एबल मैंने एफर्मेटिव, बोलो ये जो एव के द्वारा कन्फर्मेशन किया है। ऐसा करके विचार करके देखा जाए बद्ध जीवों के लिए हरिनाम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, फिर भी हरिनाम चिंता मनी है, हरिनाम ही करना ही है। ये मत समझो कि हरि कथा नहीं सुनेंगे, आप समझा नहीं, हरिनाम के अंदर में सब कुछ है, लीला परिकर वैशिष्ट हम सब प्रमाण देंगे हम हरिनाम के अंदर में सब कुछ है कैसे है। अभी साधारण आदमी समझता नहीं है, माला झोली लेकर समय का बर्बादी में लगे रहते हैं, हरिनाम तो नहीं करते, हरे कृष्ण इधर आ, मोबाइल को खुला, ये देखा वो देखा, ऐसा चल। तो इसलिए मंगल तो दूर की बात है, अमंगल का रास्ते में चल रहा है। मठवासी योग्यता विचार गुरुजी लिखा है, पोपाद भी बहुत सारे बातें कहे हैं, लेकिन कौन सुनने का आदमी है, कौन सुनने वाला नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं। एक दफे भक्ति रखोग नारायण महाराज जो छोड़ दिया शरीर, उसका शरीर पूरा हो गया छोड़ दिया, श्री चैतन्य गोरीमठ के इंचार्ज है, और गोविंद महाराज भी छोड़ दिया शरीर, सब हम लोग हमको छोड़ के चला गया सब। एक दफे तमाम इकट्ठा होके श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण में पहुंचे और बोले महाराज गुरुजी कहते हैं कि 100,000 ग्राम करना चाहिए, कर लो, हम कैसे करें, समय नहीं मिलता महाराज, पूरा दिन सेवा करो समय नहीं मिलता। महाराज जी बोले देखो ऐसा मत कहना, हरिनाम करना है, नहीं करने से होगा नहीं ना, क्यों, हरिनाम और सेवा एक दूसरे का कॉम्पेंसेटिंग फैक्टर, ये जो हरिनाम हमारा हरिनाम
और सेवा ये समझ के रहना, समझ के रहना, ये जो हरिनाम करना और जो सेवा, एक दूसरे का कंपेंसेटिंग फैक्टर, एक दूसरे का परिपूरक है। हम नाम क्यों कहते हैं, भले सेवा मिलेगा हमको, सेवा क्यों करते हैं, भला हमको नाम, नाम उच्चारण हो सकता, असली नाम भगवान का नाम, मतलब भगवान है। मैंने सेवा किस लिए कर रहा है, नाम ज्यादा करने के लिए। नाम क्यों कर रहे हैं, ज्यादा सेवा प्राप्ति करने के लिए। इन डिवोशनल फील्ड में, ये डिवोशनल जो फील्ड है, इसमें बस करो हो गया ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज के बारे में हम 5 साल पहले हरि कथा में मायापुर में एक बात को चर्चा किए थे, सारे आदमी हंसने लगे। वो क्या, भले पोपा जी का स्टैंडिंग ऑर्डर 1 लाख नाम हर कोई को करना पड़ेगा। अब 1 लाख नाम कब करें, पूरा दिन समय में बीत जाता है, तो एक दफे सारे भक्त लोग, माना हमारा गुरुवर्ग, हमारा गुरुवर्ग हो सारे मिलकर, माधव गोस्वामी महाराज मेरा गुरुवर्ग, माधव गोस्वामी महाराज को पता है हयग्रीव, तुम एक काम करो, तुम गोपोपात को पूछना कि कैसे 1 लाख हरिनाम करे, चारों ओर सेवा ही सेवा। आजकल के जमाने में कोई थोड़ा भी सेवा नहीं करना। कितना आदमी गौशाला में आया और गया, कितना आदमी गया, कोई कारण नहीं है। मैं नहीं रहता हूं, मेरा डांटने का कोई सवाल ही नहीं है, वो सेवा देख के भग जाता है, सेवा नहीं करना। वो कौन करेगा, गौ माता का चारा लाओ, घास कूटो, कौन करेगा, धोर सब पर चलाया, कितना आया कितना गया, कितना आया, ब्राजील से आया, ये भी गया, एक अचानक आ गया, हाँ इतना प्रेम है मेरे से, अरे बाप रे, हैं नंगा बाबा, कोई कपड़ा नहीं है, झोला नहीं है, सब आ गया, चप्पल नहीं है, आ गया हैं। फिर उसको भेजने के लिए कितना हजारों रुपया खर्चा हुआ, बोलो सेवा नहीं किया, कितना आया कितना गया, कुछ नहीं है, खाना पीना सब है, लेकिन सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो कौन सेवा करेगा बोलो। तो श्रीधर गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि देखो बेटा, हम लोग नाम कर रहे हैं कि सेवा ज्यादा मिले, ठाकुर जी की बगैर सेवा दे, सेवा क्यों कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण हो। लेकिन आजकल का जमाने में कोई है ही नहीं, आप अगर प्रभुपाद का बातें कहने के लिए आचरण का साथ, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप अगर आचरण के साथ प्रभुपाद का बातें बोलने बैठो, हर मठ से मना कर देगा, ओ जाना नहीं, ये सब नहीं, नहीं नहीं, ये सब नहीं जाना, उधर मना कर देगा। तो मेरा जो विनती है हर महाराज जी का चरण में कि महाराज मठ मंदिर बहुत हो गया, अब बंद करो, अब बंद करो, आप भक्तो, अगर आप भक्तो है तो भक्त बनाओ, भक्त बनाओ, हमको मठ मंदिर नहीं चाहिए, क्या करो, सेवा अपराध होगा, सेवा अपराध होगी ना, और क्या होगा। तो प्रभुपाद का पास हमारा हयग्रीव ब्रह्मचारी जी ने एक दफे गुरु भाइयों ने बोला, शिकायत किया, मतलब प्रभुपाद को बोलना, प्रभुपाद का चरण में निवेदन करना, जो कैसे हरिनाम करे, 1 लाख तो संभव नहीं है, पूरा दिन सेवा में भी जाता, वो भी टायरलेस सेवा, ये नहीं कि सुबह में अमानिया कर दिया, पूरा दिन मोबाइल लेकर बैठ जाओ, ऐसा नहीं, ऐसा सेवा नहीं है, है? पूरा दिन मोबाइल लेकर 2 घंटा आधा घंटा, अरे रोटी 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 नो, उसको छान देंगे, आप आस पास में आप कुछ नहीं, ऐसा सेवा, तनखा दे के गौ माता का सेवा करना चाह, तनखा दे के 2 घंटा का सेवा, सुबह 1 घंटा शाम को, फिर भी नहीं करे, चोरी फूरी करके, ऐसा हालत है, ऐसा हालत है, क्या करो। तो प्रभुपाद का पास हमारा परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज ने विनती किए, प्रभुपाद हम लोग कब नाम को पूरा करें 1 लाख, क्योंकि फुर्सत नहीं मिलता ना, फुर्सत नहीं है, पूरा दिन सेवा में चले। पोपा जी ने गंभीर होकर उत्तर दी, क्यों, रात को क्या करते हो आप, रात को क्या करते हो आप,
अच्छा, रात को मतलब हरिनाम को पूरा करके सोना, हम लोगों का जिंदगी में यही यही शिक्षा है। अगर नाम पूरा दिन में हो नहीं पाया, कथा 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 कथा, बस रात को माला पूरा करके फिर सोना, नहीं तो नहीं सोना, ये शिक्षा गुरुवर्ग से मिला है। अब कोई लेने वाला नहीं है आजकल का जमाना, कोई लेगा है? कोई लेने वाला नहीं है, सेवा करना कोई नहीं चाहता। पापा जी ने बताया कि क्या कर रहे हो रात को, क्या करते हो रात को करना, तो हरिनाम का अशेष महिमा। अब हम बताएंगे जे हरिनाम करते करते बद्ध जीव जो है कैसे धीरे धीरे ये जो पार होके जा सकता है। इस विषय में पूरा जो विषय है अचैतन्यमिदं विश्वम, पूरा जगत अचैतन्य है, कोई चेतना नहीं है। चेतना लाभ करने के बाद सेल्फ इंटरोगेशन, चेतना लाभ करने के बाद ही इंटरोगेशन सेल्फ इंटरोगेशन आ सकता है, नॉट बिफोर दैट। चेतना नहीं है वो तो विषय में डूबे हुए हैं, वो कैसे करेगा, वो इसका अंदर में सेल्फ इंटरोगेशन आ ही नहीं सकता। अगर समझे कि दुनिया अनित्य है, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया कि दुनिया का हर वस्तु भगवान का सेवा का तो है ही है, और इन सभी वस्तुओं में किसी का अंदर में भोग विचार आए, भोग विचार आया ना, तो अगर ब्रह्मचारी सन्यासी है उसको क्या करना चाहिए, रिपीटेडली दुखो दोषानुदर्शनम, अर्थात जो भोग का लिए, जो एंजॉयमेंट के लिए आज मैं व्यस्त होने जा रहा हूं, इसका परिणाम क्या है। क्योंकि साधु परिणामदर्शी है, वो साधु साधु नहीं है जो परिणामदर्शी, चाहे कितना भी बड़ा ऊंचा दिखाई पड़े आपका नजर में, या आचार्य बन गया, पहले पूरा पृथ्वी पुचर सब कुछ किया, जो खुद समझ नहीं पाए, कुछ खुद का जिंदगी में जो अनुभव में नहीं उतारा है, तो ये क्या करे। दुखो दोषानुदर्शन बोलने से क्या हो जाएगा, हर वस्तु भगवान का सेवा का उपकरण और भोगने जाए कि उसका नतीजा क्या हो, व्हाट इज द फार रीचिंग कंसिक्वेंस, नतीजा क्या है। इसलिए पोपात कहते थे जो एक वास्तव साधु परिणामदर्शी है, आज मैं इसी चीजों को लेकर व्यस्त हूं, हरिनाम कीर्तन गुरु सेवा करने का कोई टाइम नहीं है, लेकिन महाराज 11 साल सोचने का कोशिश करो, जिस एंजॉयमेंट में आप डूबे हुए हो इसका परिणाम क्या है, व्हाट इज द फार रीचिंग कंसे। मैंने देखा है और कुछ नहीं बोला हम, देख हरिकथा में तो ठीक अलग है, जो लोग अत्याचार किया भजन में आकर, जो व्यक्ति, एक एक करके हम कहानी बताए आपको, आप हैरान हो जाओगे, आप पागल हो जाओगे, अरे ऐसा ही हालत है, उपाय नहीं है, क्या करें, कोई बताने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला है नहीं। तो फिर ये जो हरिनाम का विषय में बहुत सारे हरिनाम भगवान का साथ अभिन्न है, इस बारे में बहुत सारे प्रमाण भी है, जो भी है, चेतना का उन्मेष होने का साथ साथ सेल्फ इंक्वायरी जरूर आएगा। चेतना का उन्मेष हो गया, सेल्फ इंक्वायरी नहीं बन पाया हृदय में, हाउ इज दैट पॉसिबल, संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, होगा ही होगा। भगवान विभु चैतन्य वस्तु, जीव अनुचैतन्य, परम चैतन्य वस्तु का अधीन है जीवात्मा को, यद्यपि हर जीवात्मा को एक किस्म का लिबर्टी दिया गया,
Still, the final controlling is in the hand of Bhagavan. Final controlling Bhagavan ka haath mein hai. Kyun? Kyun controlling Bhagavan? Phal kon dene wala? Phal ko phal kon dene wala? Phal to Bhagavan hi dega na? To asli controlling Bhagavan ka haath mein hai. Ye boka aadmi sab samajhta nahi hai. Guru Vaishnava Bhagavan ka approval ka bina kuch bhi karo. Ye asambhav hai. उल्टा हो सकता है। ये जड़ जगत जो है, ये मेटेरियल जगत, ये माया के द्वारा निर्मित है, माया निर्मित है। ये जड़ जगत माया के द्वारा विरचित है। ये जड़ जगत में जीवों का होना, ध्यान दे, ये जड़ जगत में ये जीवों को होना It's one kind of, you know, punishment. Aham mappitartha karana nishinishayana nana manorato dhiyakshana bhagana nidra daiva ahatartha rachanar sayo yopi deva jushmat prasanga vimukha yuha sansaranti jushmat prasanga vimukha yuha sansaranti ये भागवत का श्लोक ये भागवत जी महाप्राण के श्लोक में है भला जुष्मात प्रसंग विमुखा हे ठाकुर जी जुष्मात प्रसंग विमुखा इह संसरंती ध्यान दे इस बात पर जुष्मात मतलब ठाकुर जी को कह रहे हैं ठाकुर जी जुष भक्तों लोग कह रहे हैं ठाकुर जी जुष्मात जुष्मात प्रसंग विमुखा इह संसरंती जो भगवान का खिलाफ है भगवान का अनुकूल नहीं है भगवान का भजन नहीं करते जुष्मत आपका प्रसंग का विमुख जो है वो ही एकमात्र इस जड़ जगत में आते हैं इहो संसरन्ति ये संसार में आते हैं बाकी लोग नहीं आते बाकी लोग नहीं आते बाकी लोग क्यों आएगा बाकी लोग नहीं आने वाले जो भगवान का खिलाफ है भगवान का भजन नहीं करते ये लोग जुष्मत प्रसंग विमुखा इहो संसरन्ति संसार में आते रहते हैं संसरन्ति संसार में आते हैं तो ये हमारा एक जगह नहीं है तो जड़ जगत में ये जड़ जगत में जीवों का होना ये जड़ जगत में जीवों का होना इट इज वन काइंड ऑफ पनिशमेंट ये जड़ जगत प्रिजोनर प्रिजन है कैद खाने काल भी ये बात को उठाया हम शिष्ट स्थिति पलय साधन शक्ति रेखा छाए वजस्व भुवना निविवृत्ति दुर्गा इच्छान रूपमपी जस्व चा चेष्ट तेषा गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजन भगवत वैमुख हो भगवत से परे हैं विमुख है यही ये जगत में आते रहते हैं और पनिशमेंट है ये जेल खाने हैं इसके अंदर में कोई अगर तर्क उठाए महाराज तो गुरु वैष्णव भी तो ये जगत में ही है तो लोगों की भी पनिशमेंट और तबीयत खराब होता है कुछ भी होता है तो ये लोगों भी जो जड़ जगत में पनिशमेंट हो रहा है नहीं ऐसा कभी नहीं बोलो क्योंकि गुरु वैष्णव ये पर जगत ये जड़ जगत का नहीं है ये जो गुरु वैष्णव है लिखा है शुद्ध गुरु वैष्णव का बारे में शुद्ध गुरु वैष्णव का बारे में लिखा हुआ है जो नौ जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानांच विद्यते नौ जन्म कर्म बंधनम जन्मों और कर्मों का जो बंधन है जन्म और कर्म का जो बंधन है ये किसका लिए वैष्णव का नहीं है लेकिन फिर भी दिखाई पड़ता है बामन गोस्वामी तबीयत खराब है तीर्थ महाराज खराब है ये आपको धोखा देने के लिए आपको धोखा देने के लिए आपको बूका बनाने के लिए उल्लू का पट्टा बनाने के लिए इच्छा करके भक्तिविनोद ठाकुर जी ने पैरालिटिक पेशेंट का लीला की
और सानंद सुखोदा कुंज में, मैं वृंदावन से जो आते रहते थे बहुत पहले का बात, तो भजन कुटीर में भक्तिमय ठाकुर का भजन कुटीर का बाहर दो मंजिल में ऊपर, भजन कुटीर का बाहर, प्रभुपाद का भजन कुटीर और भक्तिमय ठाकुर भजन कुटीर का बाहर, जस्ट बाहर, कोई नहीं उधर रुकते थे, सिर्फ मेरे को ही ठाकुर जी ने कृपा की। तो भक्तिमय ठाकुर जी ने अचानक पैरालिटिक पेशेंट का लीला की, और उसी समय जो मिन्दापुर में जो बालीघाई सम्मेलन, बालीघाई जो बालीघाई सम्मेलन जो मिन्दापुर में कांथी का रास्ते में, कांथी का रास्ते में बालीघाई सम्मेलन में वो अपना प्रवचन रखने के लिए, किस विषय के ऊपर, किस विषय के ऊपर, ना ब्राह्मण और वैष्णव के ऊपर, ब्राह्मण ऊपर है कि वैष्णव सबसे ऊपर है, इस विषय पर बहस तर्क उठाए बहुत सारे आदमी कर्मकांडी लोगों ने, उसका जवाब देने के लिए प्रभुपाद को जाना पड़े। अब उस समय भक्तिमय ठाकुर अस्वस्थ लीला दिखा रहे हैं। भक्तिमय ठाकुर जी को प्रभुपाद जी चरण पकड़ के प्रार्थना किया, ठाकुर अभी आप अस्वस्थ लीला मत करो, हम अकेले हैं, आपको आना पड़ेगा, हमारा साथ सहयोग करना पड़े, हमें अकेला कैसे करे, कोई नहीं है ना। पापा जी ने चरण पकड़कर रोया, बहुत रोया, आप जाना चाहते हो, आप जगत से जाना चाहते हो, आप अस्वस्थ लीला कर रहे हो, लेकिन आप सोचो आपको थोड़ा बहुत दिन और रहना है मेरा साथ। बस ये बोलने का साथ साथ जब प्रभुपाद बालीघाई सम्मेलन खत्म करके आए, कुछ ही दिनों में भक्तिमय ठाकुर सुस्त लीला प्रकट किया। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने भी पैरालिटिक पेशेंट का लीला की किया। ये सब नाटक है, कुछ नहीं है, ये सब नाटक है, कुछ नहीं है, हमको भूखा बनाने के लिए नाटक है। तो गुरु वैष्णव कभी कर्मफल भोग करने के लिए जगत में जन्म लिया, पैदा हुआ, ये मत सोचो। गुरु वैष्णव का आविर्भाव और तिरुभाव है, जन्म कर्म कुछ नहीं है। न वैष्णवानां च न कर्म बंध ज न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानां च न विद्यते, वैष्णवानां च विद्यते न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानां च विद्यते, वैष्णव का, वैष्णवों का जन्म कर्म, कर्मों का बंधन कभी नहीं टिक सकता, होता नहीं, संभव नहीं, कैसे होगा बोलो। किसी व्यक्ति ने अगर तर्क उठाए, महाराज हमारा माँ एक ही तो है और क्या, एक ही तो है, वो भी खाते पीते, वो भी सोते हैं, वो भी बीमारी पकड़ लेता, हम भी, क्या फर्क है। इसका लिए एक उदाहरण है, मैंने अंग्रेजी कथा में शायद 5-6 साल पहले बताया। एक बहुत सारे व्यक्ति ऐसा प्रश्न उठाते हैं, बामन गोस्वामी महाराज जी ने इस बात को हरिकथा में खुलासा की। बामन गोस्वामी कहते हैं आम आदमी का फहमी है, गलत फहमी, वो क्या है, बामन गोस्वामी हरिकथा में कह रहे हैं, तो ये लोग का कहने का मतलब, ये लोग कहते अरे इतना भजन करता है, कुछ भी करता है, ये लोग अस्वस्थ क्यों होता है। बामन गोस्वामी इसका उत्तर दे रहा है, भले आदमी लोग क्वेश्चन करते हैं, इतना भजन करता है, बचपन से आया है, इतना भजन किया, और ये लोग अस्वस्थ क्यों होते, ये क्या बात है, क्या चक्कर है, ऐसा करके बामन गोस्वामी इसका खुलासा किया। बोलते भजन का साथ, भजन का साथ शरीर का कोई संबंध नहीं है, यद्यपि है सूक्ष्म रूप में, बामन गोस्वामी कहते हैं शरीर का कुछ भी है, भजन तो आत्मा का धर्म है, ये तो चलते रहता है। तो बाहरी विचार के द्वारा कोई अग्नि कहे ये बामन गोस्वामी अस्वस्थ है, तीर्थ मारा अस्वस्थ, ये पाप का, ये पाप का फल है, अगर कहे वो पाप का फल है, बड़ा अपराध हो जाएगा। अगर कोई कहे कि पाप का फल है ये
सबसे बड़ा अपराध हो जाएगा, कभी भी ऐसा ना बोले। इसीलिए एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं, अलीपुर सेंट्रल जेल, अलीपुर सेंट्रल जेल में एक जेलर है, एक जेलर है, और जेल का अंदर में इसकी देखरेख में बहुत सारे प्रिजोनर हैं, बदमाश आदमी जो जेल में ऑलरेडी उसको कैद कर लिया गया, बहुत सारे कैदी आदमी हैं। अगर कोई बाहरी विचार में विचार करे, एक चिट्ठी एक व्यक्ति को मिला, चिट्ठी मिली एक व्यक्ति को, एक चिट्ठी मिली और इस चिट्ठी को लेकर एक चिट्ठी मिली वो उसी ऑफिस का मैनेजर है, और ये मैनेजर का रूम में उसका एक दोस्त अभी आ गया, दोस्त आ गया, और ये चिट्ठी जो है एक खत लिख के जो चिट्ठी आई है उसका उत्तर लिख के वो मैनेजर, जो खत आई हुई है इसका उत्तर लिख के ये अपना एक पोस्ट कार्ड, उन जमाने में पोस्ट कार्ड हुआ करता था, अभी तो हेलो बोलो मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये चिट्ठी का उत्तर लिख के अपना जो दोस्त आए हुए है कमरे में उसका साथ बात करने का बाद बोला तुम कहाँ जा रहे हो, बोला हम बाहर जा रहे हैं रास्ते में, बोले काम करो ना ये जो लेटर है ये चिट्ठी वो लेटर बॉक्स में डाल देना, ये चिट्ठी को कृपया लेटर बॉक्स में डाल देना। बोले ठीक है कौन सी बड़ा बात है। वो चिट्ठी लेके हाथ में ले लिया और बोला किसको चिट्ठी लिख रहा है, दोस्त है, बोले अपना भाई को, भाई को लेकिन इधर लिखा हुआ है सेंट्रल जेल टू है बोल के लिखा हुआ है आदमी का नाम, उसके बाद सेंट्रल जेल लिखा हुआ है। अरे आपका भाई, हमको तो जानकारी नहीं है आपका भाई जेल खाने का कैदी है जेल में, आप चिट्ठी ले सेंट्रल जेल अलीपुर सेंट्रल जेल। आदमी ने हंसी उड़ाया, बस सेंट्रल जेल में तो चिट्ठी जा रहा है लेकिन मेरा भाई कैदी नहीं है, जेल का सुपर है, सुपरिंटेंडेंट। अच्छा, तो बाहरी विचार में लग रहा था कि ये सुपरिंटेंडेंट का, जेल का जो सुपर है, जेल सुपर का जेल खाने में अर्थात अलीपुर सेंट्रल जेल में रहना और जेल का कैदी का सेंट्रल जेल में रहना, दोनों का मकसद एक है कि नहीं, एक है क्या अलग है? क्योंकि सेंट्रल जेल में जो जेल का सुपर है वो तो कैदी नहीं है, फिर भी जेल में ही है, कहाँ जाए, वहाँ उसका क्वार्टर है, सब कुछ है, तो एक जैसा लगता है, तो देखने में एक जैसा लगता है कि एक ही जैसा है, लेकिन ध्यान दे इस बात पर, ये जेल का सुपरिंटेंडेंट है और वो लोग जो है वो कैदी है। ऐसा मापिक गुरु वैष्णव का ये जगत में रहना, ये जेल खाने का जो कैदी बद्धजीव, इन लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए इन लोगों का इस जगत में रहना। श्री बामन गोस्वामी महाराज भी अकेले में कहते थे गुरुजी को कितना दिन रहना पड़ेगा और कितना दिन रहना पड़ेगा बताओ आप। तो ऐसा है, तो जेल खाने में रहना ये भी तो एक जेल खाना ही है और क्या, ये भी तो जेल खाने है ना और क्या है। तो ये जेल खाने में रहने का बराबर का समझो गुरु वैष्णव और तमाम आम आदमी, तमाम दुनिया का आम आदमी और गुरु वैष्णव एक ही जैसा है अगर समझो तो आप क्या करें। भक्तिमय ठाकुर जी ने बताए ये भगवत वैमुख वशतो, भगवत विमुख व्यक्तियों के लिए, भगवत विमुख
व्यक्तियों के लिए ये जेल खाने बनाया गया, माया का संसर्ग, माया का कॉन्टैक्ट है। बद्धजीव अगर गुरु वैष्णव का अनुगत्व में साधन भजन करे तो साधन का उन्नति होकर भगवत कृपा लाभ होने का बाद माया का बंधन काट सकता है। जब भी कृष्ण भूली, जब भी चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है, यद्यपि चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसारादि रूप अनादि बहिर्मुख, बस स्टिल अनादि बहिर्मुख, वो कोई कैलकुलेशन नहीं कब से, फिर भी ये माया कट सकता है बद्ध जीव भजन के द्वारा। भजन के द्वारा ये जो माया का ये जो बंधन है, यद्यपि अनादिकाल से बंधन है, फिर भी काटना बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात नहीं है। क्यों? ये तो अनर्थ जाना, हमने तो कई बार बताया है, रजस्तमश्च सत्येन सत्वं च उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषो हि अंजुषा जयेत, कई बार बताया मैंने। काजी भगवत बहिर्मुख जो जीव है, भगवत बहिर्मुख जो जीव है सब मायाबद्ध है, और भगवत अनुगत जो जीव है सब जीव मुक्त है, सब जीव मुक्त है। बद्ध जीव साधन करते करते भगवान का कृपा का लाभ करे, माया का बंधन काट कर बाहर जा सकता है। लेकिन माया का बंधन काटना ही सबसे बड़ा बात नहीं है, टू काट मेटेरियल बॉन्डेज इज नॉट सच ए बिग इश्यू, आफ्टर दैट व्हाट इज योर टारगेट, दैट इज द मेन थिंग। ये सबसे बड़ा विषय है, काल भी ये बात को उठाया था। सो ये जगत में जो भारतवर्ष में, बाहर में तो छोड़ो कोई बात नहीं, वो लोग तो सोचेगा ही नहीं, आजकल समझ रहा है। तो कहने का मतलब है ये भारत भूमि एक कर्म क्षेत्र है कि नहीं? ये भारत भूमि कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र क्यों बोला? क्या विदेश का कर्म क्षेत्र? नहीं नहीं नहीं, एकमात्र तो भारत भूमि है कर्म क्षेत्र। क्यों क्यों? इसका उत्तर ये है, ये भारत भूमि वेदों का विचार पर प्रतिष्ठित है। हर कोई के बारे में नहीं कह रहा हूँ, दोज हु आर ओरिजिनली इंडियन, ओरिजिनली बाहर से आए, कंटामिनेशन हो गया, हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड कंटामिनेशन, मैं इन लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। आजकल के ज़माने में तो क्रिश्चियन लेडी को भी शादी कर रहा है, क्रिश्चियन लेडी शादी हो गया, मुस्लिम लेडी शादी हो गया, तो मैं इन लोगों के बारे में नहीं कहना चाहूँ, कहने का इच्छा भी नहीं, क्या करें। और कहने का मतलब है भारत भूमि इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल कल्टिवेशन। क्यों? ये वेद भित्तिक है, वेद भित्तिक समाज भारत भूमि। कर्मकेतु किसने बताया गया कि वेद में जो बताया गया कर्म है, इसका करने वाले विदेश में तो है नहीं, इधर है। तो कर्म करने वाले वेदों का आदेश का अनुसार, वेदों में जो निर्देश आदेश है, इसको पालन रूपी जो कर्म है ये करें तो कर्म भूमि, इसका उल्टा करें तो होगा नहीं, और ना करें तो अकर्म हो जाएगा, उल्टा करें विकर्म हो जाएगा। जो विदेश में चल रहा है, चारों ओर पृथ्वी में, चारों ओर लगातार पृथ्वी में होल्ड वर्ल्ड में चारों ओर लगातार ये विरुद्ध क्रियाक्रम चल रहे। हु इज गोइंग टू फॉलो, वेद को कौन फॉलो करना चाहता है? हम कल विचार करेंगे, दिखाएंगे आपको, कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी बता रहे हैं, और कृष्ण भजन करने वाले कौन है दिखाओ, विचार बनाओ, दिखाओ हमको। तार मुद्दे स्थावर जंग में विभेद,
जंगमे स्थल जलचर खेचर विवे तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर है। बहुत सारे विचार बताया कृष्णदास को। तो कृष्ण भक्त करने, कृष्ण भजन करने वाले, हरिनाम करने वाले आदमी क्या क्या बाजार में मिलेगा क्या? इधर उधर सारे मिल जाएगा। अरे महाराज हरिनाम करने वाले मिलेगा? दिखाओ मेरे को। वेदों का आदेश का अनुसार जो क्रियाक्रम है वो पालन करने वाले अगर कोई है तो भारत भूमि है। पहले तो हर आदमी, पहले तो हर आदमी, यहाँ तक कि जरासंत, यहाँ तक कि जरासंत नामक जो असुर हैं, ये लोग भी वेदों का जो आदेश है ये, लेकिन वेदों का जो इनर मीनिंग है ये समझते नहीं थे। जरासंध, शिशुपाल, कंस, कोई व्यक्ति देखो, ये असुर है, राक्षस है, लेकिन ये भी वेदों का, वेदों में लिखा है ऐसा। इसलिए हमारा गुरुवर को कहते थे, हमारा केशव गोस्वामी महाराज, डिविल्स कैन ऑल्सो कोट स्क्रिप्चर्स। एक असुर भी, राक्षस भी शास्त्रों का प्रवचन करने के लिए खड़ा हो जाता है, क्या करे, कहा करे। तो ये जो विषय है ये लोग भी वेदों का जो निर्देश है, बाहरी निर्देश, क्योंकि वेदों का अंतर्निहित अर्थ जो है, वेदों का जो इनर मीनिंग है ये तो समझते नहीं है, ये तो समझते नहीं है। इसलिए भगवान बताए वेदस्य चा ईश्वर आत्मोत्तात् तत्व मुह्यंति सूरयो। वेदों का निर्णय, वेदों का निर्णय क्या है ये समझने में स्वर्गों का देवता लोग, ऋषि मुनि भी पागल हो जाते। तो ये बेचारा कैसे समझेगा? समझेगा नहीं, कैसे समझेगा बताओ। वेदों का जो भी बाहरी आदेश है, अंतर्निहित आदेश, हर आदमी तो अंतर्निहित आदेश इनर मीनिंग नहीं समझेगा। अगर समझा होता तो ये किस लिए मल मास बोलकर ये अधिमास पुरुषोत्तम मास को कैसे फेंक दिया? हर आदमी का सोच विचार तो एक नहीं है, हर आदमी का सोच विचार तो एक नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो क्या करे? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये वेद का आदेश का अनुसार ये भारत भूमि में वेदों का आचार आदर्श के अनुसार क्रियाक्रम चले, इसलिए ये कर्म भूमि है। और बाहर में काम भूमि, बाहर में कर्म भूमि नहीं है। बाहर का पूरा दुनिया जो है इसका नाम है काम भूमि, द लैंड ऑफ एंजॉयमेंट, काम भूमि यही है। भारत में भी आजकल ये हो गया, और क्या करे, कौन रुकेगा? तो फिर हमने बताया था कई बार राय रामानंद संवाद चर्चा करते हुए, और फिर उपदेशामृत का चर्चा करते हुए बहुत बार बताए कि देखो कर्म, ज्ञान और भक्ति तीन रास्ता है। मैंने कई बार इस सब चर्चा की, कर्म, ज्ञान और भक्ति और वर्णाश्रम धर्मों, यज्ञ, तपस्या, दान, व्रतो, ये सारे तमाम सारे कर्मांगो शास्त्र में दिया हुआ है, शास्त्र में दिया। तरह तरह का विचार, पीपल दे आर इन कन्फ्यूशन, ये लोग समझ नहीं पाते। बोले वेद में लिखा है महाराज, लिखा है ठीक है, भगवान ने बताया। देखो वेदों का जो गहरा विचार, ये बाहरी आदमी समझेगा नहीं, बाहरी आदमी समझेगा नहीं, वो उल्टा रास्ता में जाएगा। बोले वेदों में लिखा हुआ है, महाप्रभु जी में दिखाए काजी का साथ चर्चा करते हुए, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते। बहुत सारे से लिखा हुआ है, भगवान बताए वेदोश्च सर्वै रहमेव वेद्यो, वेदों का अंतिम लक्ष्य है हमको दिखाना मेरा चरण। वेदोश्च सर्वै रहमेव वेद्यो,
और बताए मैं वेदकृत वेद विदेवो वेद विदेवो अहम, मैंने वेद रचाया, रचाया मतलब नित्य उपस्थिति, रचाया मतलब इटर्नल प्रेजेंट, वेदकृत वेद विद च अहम, आप वेद समझने वाले मैं हूं। इसीलिए भागवत जी महापुराण में भी आता है वेदस्य च ईश्वर आत्मत्वात् तत्रो मुह्यन्ति सूरयो, वेद और ईश्वर अभिन्न है, अलग नहीं है। इसीलिए वेदों का बारे में अर्थात भगवान का बारे में विचार करने जाओ, कन्फ्यूशन इज क्वाइट नेचुरल। काल इस विषय में भागवत से हम प्रमाण देंगे कैसे उल्टा रास्ता पर पूरा दुनिया चल रहा है, कैसे उल्टा रास्ता पर चल रहा है पूरा दुनिया। तो वर्णाश्रम धर्मों का बारे में बताया, ठीक है, इट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ वेद बेस्ड सोसाइटी, वेद भित्तिक समाज का वर्णाश्रम धर्म छोड़कर बेसिकली कोई अच्छा रास्ता नहीं है। हर आदमी जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करके भगवान का मर्यादा का पालन करते रहे, इट्स गुड, ये अच्छा है, ना करे तो उल्टा फल। तो वर्णाश्रम धर्मो यज्ञो तपस्या दान व्रतो जितना सारे हैं, ये सब लिखा हुआ है, महाराज यज्ञ करो, आपका बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, हमारा बच्चा नहीं है, क्या करें, बिना संतान मैं कहाँ जाऊँ। याद है ना, कुछ दिन पहले भी बताया था, वो जो आपका ये चित्रकेतु महाराज इतना रोना धोना किया, इतना रोया, आत्मदेव जी बहुत सारे उधर, आत्मदेव जी कितना रोया। एक सन्यासी का तो मिला, सन्यासी बोला देखो आपका 7 जन्म तक कंसिक्यूटिवली फॉर द 7 कंसिक्यूटिव बर्थ, मैंने फॉर द 7 कंसिक्यूटिव बर्थ जन्म जन्म 7 जन्म आपका कोई बच्चा लिखा नहीं है आपका तकदीर में, महाराज हमको चाहिए बच्चा, किसी भी हालत से आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो खुदकुशी करेंगे हम, ये तालाब में छलांग लगाएंगे, हम मरेंगे। अरे छोड़ो, ऐसा ही भाव है चित्रकेतु महाराज, चित्रकेतु महाराज बड़ा दुखी है। नारद जी महाराज पूछे, महाराज आप दुखी, नारद जी महाराज बाद में आए, अंगिरा ऋषि पूछे महाराज आप दुखी क्यों हैं, बोले महाराज हमारा संतान नहीं है। तो संतान तो आपका नहीं है तकदीर में, तकदीर में संतान नहीं है, बोलो वो तो हमको आपका पैर पकड़े मैं, हमको संतान दीजिए। तो उस समय क्या हुआ, अंगिरा ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, पुत्र उत्पादन करने वाला वेदों का जो ऋषा है, इसने पाठ किया, यज्ञ किया और उसका चारु लगाया आग में, उसका बाद घृतपक्ष परमान्नो भोग लगाया, बाद में ये परमान्नो दे दिया राजा के हाथ में। राजा को बोला राजन ये जो परमान्न है ये आपका प्रधाना बीबी को देना है, अब बच्चा जरूर होगी, तो बच्चा चाहिए। दुनिया काममय है, काम के अलावा कोई कुछ सोच भी नहीं सकता, पूरा जगत काममय है, या तो पॉजिटिव काम हो या तो नेगेटिव काम हो। पॉजिटिव काम गुरु वैष्णव का अंदर में भगवान का आलिंगन करे, छिन चुम्बन करे, और जड़ जगत का नेगेटिव, ये नेगेटिव है, क्या कहा करे। तो ये जो वेदों में है जितना सारे क्रियाक्रम का बारे में बताया गया, सारे एक एक ना रिजल्ट देना है। बच्चा नहीं है तो बच्चा पैदा करा देगा, पैसा नहीं पैसा दे देगा, कुछ कर देगा, हैं सब एक एक वेदों का अंदर में लिखा गया, एक एक कर्मकांडी का, एक एक विषय का ऊपर एक एक फल का वर्णन है। ये करो तो ये मिलेगी, ये करो तो ये मिलेगी, तो आदमी सब इसी में उलझे हुए हैं। पूरा दुनिया का आदमी इसी में उलझे हुए हैं।
कोई कुछ सुनना नहीं चाहता। अरे महाराज बस करो, कुछ नहीं सुनना चाहता, बस इसी में डूबे हुए हैं। बहुत सारे मुश्किल से, बहुत मुश्किल से पूर्व स्वीकृति के द्वारा जीव हैं, बहुत मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल के द्वारा दान दक्षिणा सब करके बद्ध जीव स्वर्ग में जाना चाहता है। अरे स्वर्ग में जाके क्या करे, पर स्वर्ग में जाना चाहता है, वहां एंजॉयमेंट है, मेरा पिताजी का स्वर्गवास हो गया, बहुत दान दक्षिणा किया, लेकिन स्वर्गवास करके क्या करोगे, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर चेटी तक, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर चेटी तक सारे विनाश नाशवान है, ब्रह्मा से लेकर चेटी तक सारे नाशवान है, लेकिन वही चाहिए, वही चाहिए हमको, वही चाहिए। गुरु जी कहते थे पहले, महाराज देखो सब ये चाहिए, छीने पुण्य मत्तलखम विशंति, पुण्य छीन होने का साथ साथ इस जड़ जगत में फिर वापस आना पड़ेगा। जद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापी बिना भोगे बिना जद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापी बिना समयात बिना न भोगई अपैत नाम स्फुरने न तत्ते परब्ध कर्मित विरोधी वेद। ब्रह्म निष्ठा भी प्राप्त कर दिया, फिर भी अपना कर्मफल भोगे बिना कुछ नहीं होता, याद रखना। लेकिन हरिनाम का इतना प्रभाव है, जो अजामिल ने इतना चरित्रवान ब्राह्मण है, इतना सालगाम पूजा किया, सब कुछ बुजुर्गों को गुरुजनों का पूजन किया है, इतना कुछ किया है, और उसका बाद जब गिर गया, जब हम कल बताया था उसका मोरल स्ट्रेंथ उतना तक एक्सटेंड नहीं कर पाए, गिर गया, तो उसको कौन बचाने आया था, कोई आया, कोई तो आया नहीं बचाने, सिर्फ संत महात्मा का एक चलाकी है, जो इनके जो अंतिम बच्चा है पैदा हुई, बच्चा का नाम नारायण रख दिया, लिखा हुआ है, बहुत सारे गहरा विचार है। ये जो बेश्या का प्रसंग महा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी महाराज को, हैं जब बार बार अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, बड़ा बड़ा इसका अंदर में बड़ा बेचैनी है ना, अब बाद में अंदर में एक अचानक झट से कैसे भाव पैदा हो गया, मैंने क्या किया, हाय हाय पिंगल अविश्वास, क्या है, मैंने अपना जीवन जिंदगी को बर्बादी का ओर लेके गई है। बाद में परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का साथ ही हम प्यार करेंगे, किसी का साथ नहीं, ये कैसे हो गया। भले एक दफे अजगर तपस्वी दत्तात्रेय एक दफे उसका घर का अंगीना में बाहरी बरंडा में आया, और ऐसा ही लिखा हुआ है कि विष्णु पुराण में कहां लिखा हुआ है, ये अजामिल का भी, अजामिल नहीं थे, अजामिल का पत्नी संतान संभवा है, और कुछ संतो महात्मा आए थे बरंडा में रुके, और देख के गए और बोल के गए, मैया एक काम करो, तुम्हारा जब बच्चा पैदा होगी है तो बच्चा का नाम नारायण रखना, ये दुष्ट और बदमाश का यही समाधान है, और ये एक नारायण, मेरा कहने का मतलब है इतना किया अजामिल फिर भी गिर गया, गिर गया ना, इतना किया, पूजा किया, पाठ किया, कुछ किया, गुरुजनों का सेवा की, कुछ लगे कुछ नहीं बचा पाए। लेकिन वो अजामिल, कल इस बात को उठाएंगे हम, देखो अंतिम समय में भगवान को भी नहीं, भगवान को भी बुलाया नहीं, उसका नामाभास नारायण बोल के चिल्लाया, नामाभास होकर ये मुक्त हो गया।
नामाभास सुनकर ये मुक्त हो गया है। इस बारे में हम काल चर्चा करेंगे, कैसा गंभीर विचार है। तो नामाभास में मुक्ति होता है, जो तुम्हारा तपस्या अर्चन आदि कुछ भी करते चलो, इसमें कुछ नहीं होने वाला, और हमारा ये सिर्फ नामाभास में ही कमाल कर देगा, कमाल कर देगा ना नामाभास में, तो क्यों नामाभास में ही कमाल कर देगा। शिला हरिदास ठाकुर जी के साथ सप्त गांव में एक गोपाल चक्रवर्ती बोल के, गोपाल चक्रवर्ती बोल के एक 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 ब्राह्मण है, बड़ा विमुख है, विमुख है, बड़ा बहस किया हरिदास ठाकुर के साथ। हरिदास ठाकुर नाम का महिमा कहते चले, इन्होंने माना नहीं, इन्होंने उल्टा हरिदास ठाकुर को गाली दिया। सुनो सुनो, ये भावुक है, ये इमोशनल है, क्या बताया है, इतना व्रत तपस्या के द्वारा कुछ नहीं होता, नामाभास में हो जाता है, ऐसा बताया, ऐसा बताया। समाज में वो सभा में हाहाकार मच गया। ये सभा में, जिस सभा में ये चर्चा हो रहा था, इस सभा में हाहाकार मच गया। अरे क्या कर रहे, इतना बड़ा अपराध कर दिया हरिदास ठाकुर के साथ, हाय 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 हाय, राम 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 राम, क्या कुछ नहीं होगा देखा जाए। और दो दिन के अंदर इसका गलित कुष्ठ हो गया, कोर बीमार हो गया, क्योंकि हरिदास ठाकुर के साथ चैलेंज किया, बोले अगर आप प्रमाण नहीं कर सको आपका नाक कटना पड़ेगा, और नहीं तो मैं अपना नाक काट के साबित कर दूं, ठीक है। बोले चलो ठीक है, हरिदास ठाकुर के साथ ऐसा बहस किया, उसका नतीजा क्या है, अंतिम में उसको गलित कुष्ठ हो गया, आज सारे समाज उसको फेंक दिया। बहुत सारे बातें हैं, हम चर्चा करेंगे। हरिदास ठाकुर का साथ महाप्रभु का भी चर्चा एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। हरिनाम चिंतामणि ये समझने के लिए हमको बड़ा एरिया तक चर्चा करना है। सिर्फ हरिनाम चिंता, हरिनाम करने से सब होता, ऐसा नहीं बोलने से होगा, नहीं ना, ऐसा ही है। हरिनाम सबसे ऊपर है, जो अजामिल को कुछ कुछ बचा नहीं सके, तपस्या व्रत गुरुजनों का कुछ नहीं कर सके, वो अजामिल केवल मात्र नामाभास मुक्ति हुआ, हुआ ना, कैसे संभव है, कैसे संभव है। सांकेतम परिहासम स्तोभम हिरणमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशिष अघ हरणम विधु, अनंत काल का पाप राशि भगवान के एक नामाभास में उब जाता है, उब जाता है महाराज, उब जाता है, कहां रहे। ऐसा भगवान का नाम का महिमा है, आप सोच विचार करके। श्री हरिनाम चिंतामणि का जो गंभीर विषय है सुनने का प्रयत्न कर ले, जीवन जिंदगी घूम जाएगा, अपना जिंदगी में एक एक अचानक एक मोर आ जाएगा, एक एक मोर आ जाएगा, आप घूम जाओगे। अरे वाकई ऐसा चीज है, श्री हरिनाम चिंतामणि। भक्तिमत कह रहे हैं काल चक्र के द्वारा अनंत ब्रह्मांड का क्या कुछ नहीं नासवान है, सब कुछ नासवान है। भक्तिमत कह रहे हैं हे सज्जनों इस बात पर ध्यान दे, अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज है जो ये माया का काल चक्र में नहीं नाशवान नहीं होने वाला, सब नाशवान होगा। तो ये दान दक्षिणा आदि कुछ भी क्रिया, यज्ञ आदि व्रतो तपस्या कुछ भी करो, लेकिन इसके द्वारा क्या फल मिलने वाला, क्या फल मिलेगा बोलो, हैं? ये सब क्रियाक्रम के द्वारा माया बंधन काटना ये तो दूर की बात है, कुछ नहीं होगा, क्या होगा बोलो। भक्तिमत ठाकुर जी ने बताया ये तो कामना वासना को काटने का जो चक्कर है, ये जो आपका
ये जो कामना वासना काटने का जो आपने विचार बनाया ये तो फजूल बेकार है। भक्तिवेदांत ठाकुर बताए इसमें अपना अंदर का वासना कामना वासना और बढ़ते रहेगा, जाएगा तो दूर की बात है। और देखो हरिद्वार में गंगा में दिल्ली का सारे सेठ से कालो बाजार काला धंधा करता है सब गंगा में जाता है, ना क्या आए फिर आए फिर हफ्ता भर काम किया फिर 15 दिन बाद गया, तो ऐसा है क्योंकि कामना वासना जड़ से उखाड़ के फेंकना है। आप समझा नहीं, कामना वासना काटना बराबर नहीं है, है कामना वासना और पाप पुण्य जो है ये काटना सबसे बड़ा बात है, जड़ से उखाड़ के फेंकना, जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। और अगर जड़ नहीं, जैसे एक खेती, जैसे एक मिसाल दे दे, एक मैंने देखा वृंदावन में रहते ठाकुर जी का कृपा से, गुरु जी का कृपा से वृंदावन में ब्रजवासी लोग ये जौ बार्ली जौ का आबादी की सब कुछ हो जाने का बाद फिर उसका बाद क्या कर रहे हैं आबादी करें उसका बाद महाराज उसको काटने के लिए क्या की बोले काटने के बाद फिर दूसरा आबादी करना है। तो मैंने देखा सूरजकुंड में रहते हुए गोवर्धन में गोकुल धाम हर जगह हमने देखा परिक्रमा करते हुए वो लोग क्या करते हैं, ये जो चावल वो जो धान है पैडी है इसको काटने का बाद तमाम खेती को जला देते, आग लगा दिया, गर्मी का मौसम है सब सूखा हो गया फिर जला दिया पूरा एकदम जड़ से सब जल के बस काला 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 हो गया। उसका बाद ट्रैक्टर लाए फिर उसको आबादी करने के फ्रेश हाल जताना शुरू कर दिया फिर। तो देखो जड़ जगत में ऐसा शिक्षा लिया मैंने कि अगर जड़ से नहीं उखाड़ा होता नहीं जलाया होता तो फिर दूसरा बीज लगाना संभव नहीं है, वो फिर उल्टा हो जाएगा ना। तो फिर काल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना है और हरिनाम करते करते भगवान का चरण कमल में पहुंचना है। इस विषय पर चर्चा करने का उम्मीद जताते हुए आप यहाँ खुद क्षुद्र चर्चा का विश्राम दें, वहाँ सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते भक्तिरवैनम नयति भक्तिरवैनम दर्शयति भक्तिर्वश पुरुषो भक्तिरेव अभियसी। ओम जम लब्ध्या पुमानो स्निग्धो सिद्धो भवति अमृत भवति तृप्त भवति वांछ कल्पतरुष्य कृपा सिंधु व्यवच पतितानं पावन भो वैष्णवभ्यो नमो नमः।